हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन मिनट टिप्स। तो आज मैं यहाँ पर अभी अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ, मुझे मेहंदी लगाना है अपने सर पे, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको भी मैं बताऊँ कि मैं क्या मिक्स करती हूँ अपनी मेहंदी में और क्या प्रिपरेशन मैं करती हूँ फॉर अप्लाइंग अ मेहंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बालों को दो दिन पहले वॉश कर चुकी हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं तो मेहंदी लगाने से एक दिन पहले ही वॉश कर लें। मेरे बाल इतने ऑयली नहीं रहते, मेरा स्कैल्प ऑयली नहीं है, तो मैंने दो दिन पहले ही हेयर वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं मेरे बाल ग्रेज हो गए हैं, मेरे बाल हैं यहाँ पर ग्रेज। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले रात में ही मेहंदी भिगा दी थी। अब मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ फॉर मेहंदी को भिगाने का तरीका क्या है जो मैं अप्लाई करती हूँ। मैं चाय के पानी में ही मेहंदी को फेंटती हूँ और मेहंदी के अंदर मैं बीटरूट पाउडर, आंवला एंड भृंगराज एक एक स्पून मिक्स कर देती हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा मेरे बालों को नरिशमेंट भी मिल जाए, मेरे बालों में शाइन भी रहे, क्योंकि हिना जो है मेरे बालों को रफ कर देती है। तो मैं इसीलिए बीटरूट पाउडर, भृंगराज, आंवला सब मिक्स करके, एक एक स्पून मिक्स करके फिर उसको मिलाती हूँ। अब आप सबके लिए एक प्रोटिप ये भी है एक और, कि अगर आप मेहंदी को भिगा रहे हैं रात में, तो अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो लोहे के बर्तन पर ही भिगाए, लाइक लोहे का कढ़ाई होगा आपके घर में तो उसी में मिक्स करके भिगा के रखें। उससे क्या होता है, हिना का कलर जब आप बालों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा आता है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के किसी बाउल में या आपके पास जो टिफिन डब्बे होते हैं जो हम लोग के पैकेजिंग में आते हैं उस डब्बे में भी भिगा सकते हैं, जस्ट लाइक मी। अब कैसे आप मेहंदी को लगाएंगे मैं ये बताती हूँ आपको। तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लें, अच्छे से समझा लें, ऐसा ना हो कि आपके बाल उलझे में रह जाए। नाउ यू कैन पार्टीशन योर हेयर, लाइक मैंने यहाँ से पहले पार्टीशन करा हुआ है। अब बहुत से लोग हेयर ब्रश से प्रेफर करते हैं लगाना, क्योंकि मेहंदी हाथों में लग जाती है, बट मैं हाथों से ही लगाना प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि उससे कम्फर्टेबल हूँ लगाने का, तो मैं इसी से लगाऊंगी। मैंने यहाँ का पहले साइड पार्टीशन कर लिया, जिधर की साइड मेरी ज्यादा वाइट्स है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक हाथ ही गंदा कर रही हूँ सो दैट कि एक ही हाथ पे कलर चढ़े। अगर आप चाहते हो कि आपके नेल्स पे मेहंदी का कलर ना लगे तो कोशिश करें कि कोई डार्क कलर का नेल पेंट पहले ही अपने नेल्स में लगा लें, लेकिन अगर मेहंदी अगर आपके नेल्स पे लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि आपके नेल्स को नरिश ही कर देगा, कलर देगा, नेचुरल कलर होगा, कोई केमिकल नहीं होगा उसके अंदर। फुल कवरेज करें, एक्स्ट्रा जो रहता है हमेशा अपने बालों के नीचे लगाते रहें टिप पर, सो दैट कि आपके फिंगर्स में जितना भी मेहंदी लगा हो वेस्ट ना जाए, आपके बालों में यूटिलाइज हो जाए। देन फिर से दूसरा पार्टीशन करें, ओके, और यहाँ पर लगाएं इस पार्टीशन। आप अपने सारे ग्रेस कवर करें अगर है, और अगर आप सिर्फ नेचुरल कलर देना चाहते हैं, ग्रेस नहीं है, तो भी अपने बालों को नेचुरल कलर दे सकते, आप मेहंदी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेयर कलर थोड़ा केमिकल बेस्ड होता है तो अवॉइड करें। लेकिन हेयर कलर का क्या होता है कि हम लोग कंफर्टेबली यूज कर पाते हैं, इजी टू यूज है, बहुत मैसी नहीं रहता है, इजी एप्लीकेशन होता है, आपके हाथ मैसी नहीं होते हैं, राइट। और हमेशा एक बात का याद रखें कि आप वैसे ही कपड़े पहने कलर करते हुए या मेहंदी लगाते हुए, जिनको आप खराब करें तो आपको दुख ना हो, क्योंकि मेहंदी का भी कलर जो है अगर आपके कपड़ों पे लगता है तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, कोई भी पुराना टी शर्ट, कुर्ता, जो भी है, ओल्ड कपड़े वो लगा लें। अब इस पार्टीशन के लिए करूंगी मैं, ये लगाते रहे बालों में पूरा अच्छे से।
सबसे पहले हो सके तो फ्रंट से कवर कर लें सारे बालों को, फ्रंट से कवर करें, देन उसके बाद ही आप पीछे की साइड जाएंगे। उससे क्या होगा कि अगर आपका मिस भी होता है तो फ्रंट से मिस नहीं होगा, मेहंदी का कलर बैक साइड से ही होगा, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड से कम्प्लीटली कवर कर लिया अपने हेयर्स को। ये नीचे नीचे के छोड़ रखे हैं क्योंकि पहले मैं यहाँ के पार्टीशन को कवर करना चाहती हूँ, अदरवाइज यहाँ का छोड़ जाएगा, एक साइड से मेरे बाल मेहंदी लग जाएगी और एक साइड से नहीं लगेगी। देखिए मैं बार बार आपसे कहूँगी, इफ़ यू कम्फर्टेबल विद द हेयर ब्रश तो हेयर ब्रश ही यूज़ करें, नो इशू। मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ हेयर ब्रश के साथ अप्लाई करने में, इसीलिए मैं हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे हाथों में मेहंदी लग जाती है तो। कानों के पास थोड़ा ध्यान से लगाएं ताकि कानों पे आपके ना लग जाए मेहंदी। कुछ चीज़ों को मेहंदी का अप्लाई करते हुए ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपके फेस पे या कान पे ना लग जाए मेहंदी, अदरवाइज आप एक खराब कपड़ा लेके बैठ सकते हैं सो दैट कि वो कहीं पे भी एक्स्ट्रा लगा हुआ हो तो आपका वो आप क्लीन कर सकें। फॉर द बैक साइड मैंने बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, आप देख सकते हैं मेरे हाथ तो की अलग कंडीशन, मेरे हाथों की हाथ मैसी हो चुकी है, इतना कभी होता नहीं है बट इस बार हो गया थोड़ा अच्छा। नेक्स्ट टाइम से मुझे ग्लव्स लगाने ही पड़ेंगे, अभी फिलहाल मुझे कहीं जाना नहीं है बाहर, तो इट्स ओके रहता। फिर अब मैं बालों को इस तरीके से उठा रही और इस तरीके से कवर करते जा रही हूँ नीचे तक, सो दैट कि पूरे बालों में मेरी मेहंदी भी लग जाए और मेरे बालों को नरिशमेंट भी मिल जाए मेहंदी से। अगर आपके बाल भी मेहंदी लगाने से रफ होते हैं और जिसके रीज़न की वजह से आप बालों में मेहंदी नहीं लगा पा रही हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ पर मेहंदी में हल्का सा ऑयल मिक्स कर सकती हैं अगर आपके पास बीटरूट पाउडर नहीं है, नहीं तो आप बीटरूट पाउडर मिक्स करिए या बीटरूट का जो रस होता है नेचुरल रस वो भी आप मिक्स कर सकती हैं। एंड कवर इट। इसको मैं सिक्योर कर रही हूँ सीरीज, इसको मैं सिक्योर कर रही हूँ रबर बैंड के थ्रू। नाउ कम टू द अनदर पार्ट ऑफ योर हेयर। पहले बालों में लगा, हाथों में जितनी भी एक्स्ट्रा हिना लगी हुई है आपके वो बालों में लगा लें। सेम प्रोसीजर विद द साइड ऑल्सो, ऊंचा उठाए पीछे से लगाना शुरू करें क्योंकि अभी आपने पीछे नहीं लगाया है, तो पीछे से लगाना शुरू करें बाद में, देन हाइप पूरी करें बालों की। यहाँ पर लगाएं नो
मिड पॉइंट ऑफ योर हेयर इट इज द मिड लेंथ से लेकर नीचे तक लगाएं और एग्जैक्टली जैसे इस तरफ हमने पूरा कवर किया था बालों को वैसे हम इस साइड के भी बालों को कवर करेंगे और उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। माइट भी हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही हो क्योंकि मैं कलर भी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ तो प्लीज़ बेयर विद मी और मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल देती हूँ अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो मुझे एक बार फिर बता दीजिएगा मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा वीडियो बना लूँगी आप लोगों के लिए दोबारा से समझा दूँगी कि किस तरीके से मैं मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ अगर आपको मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही है That's it. अब इस तरीके से भी दोनों साइड कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे कानों में मेहंदी लग जाएगी तो मैं ये दोनों साइड को खोल देती हूँ और एक सिंगल बन बना लूंगी सो दैट मेरे कानों में मेहंदी ना लगे। That will be the same thing, कि इससे आपके कानों में मेहंदी नहीं लगेगी और रबर बैंड से बंद बना के आप सिक्योर कर लें और जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है आप इन्हें यहाँ हल्का हल्का फिंगर से लगा लें सो दैट्स इट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट Subscribe to my channel or share it with your friends and family. Thank you. Bye.